अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैं आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वीडियो आपको सुबह को मिलेगी। बना तो घर में रात को रही हूँ, उस वक्त 12 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी मॉर्निंग हो जाएगी जब तक ये वीडियो अपलोड होके आपके पास जाएगी। तो इसलिए आज मैं गुड इवनिंग नहीं कहती, थोड़ा चेंज भी होना चाहिए ना, हर बार एक ही तरह की बात कुछ ठीक नहीं लगता। खैर, इससे पहले कि हम चलें आगे और हम कुछ थोड़ी बहुत जो न्यूज़ है उस पर बात करें, और उससे पहले आप लोग सब जानते हैं मैं क्या कहने वाली हूँ। बिल्कुल ठीक समझे हैं जी, जिस जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद दूसरा काम भी आपको याद ही होगा, बिल्कुल अपना दिमाग निकाल के इस साइड पे रख दीजिए, इसलिए कि हमारे शो में दिमाग का कोई काम नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे मिनिस्टर्स और हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग जिस तरह की स्टेटमेंट देते हैं उसके लिए भेजा फ्राई हो जाता है, और भेजा फ्राई करने के लिए भेजे को साइड पे रखिए और फिर हमारे शो को देख लिए एकदम बिंदास होकर। बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जैसे आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर इस्लामाबाद में हैं या थे, अब तो खैर वो चले गए हैं, मैंने सुना है कि वो अपनी पूरी टीम और अपनी फैमिली के साथ जो है अफगानिस्तान चले गए हैं, लेकिन उनकी बेटी को 2 दिन पहले किडनैप किया गया और उसके बाद वो मिल भी गई कुछ ही टाइम के बाद। और उसके बाद जी शेख रशीद साहब जो हमारे बड़े एक फेमस पॉलिटिशियन हैं, मिनिस्टर भी, हर पार्टी में मिनिस्टर रहे हैं, हर गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे हैं, उनको उनको तो एक मतलब एक जिसे कहना चाहिए कि एक अवार्ड तो इस बात का भी बनता है कि शेख साहब हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं। मुझे लगता है तालिबान की गवर्नमेंट बन गई तो शेख साहब ने वहां भी कोई मिनिस्ट्री पकड़ ही लेनी है। तो जी उनका कहना है कि एम्बेसडर की जो बेटी थी वो, या जो किडनैप हुई थी उनकी बेटी अफगानिस्तान के एम्बेसडर की, वो घर से पैदल निकली थी। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ सुनाई है जी शेख साहब ने। और मजे की बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि जी सेफ्टी कैमरास की वजह से वो उन्हें वापस मिल गई, और ये सेफ्टी कैमरास उस वक्त कहाँ गए थे जब हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, चाहे वो सतूर हो, चाहे मतीउल्लाह जान हो, चाहे अफसार आलम हो, चाहे उमर चीमा हो, कितने ही लोगों के ऊपर टॉर्चर किया गया, किडनैप किया गया, उनको गायब किया गया और गोलियां मारी गई, धमकियां दी गई, क्या कुछ नहीं हुआ उस वक्त। इस पूरे इस्लामाबाद के जो सेफ्टी कैमराज हैं उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, और कोई कैमरे में किसी की ना तो फुटेज आई और ना ही पता लगा आज तक की तारीख में कि किन लोगों ने इन जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक किया था। लेकिन हाँ, शेख साहब को जो है वो अफगानिस्तान एम्बेसडर की बेटी भी फौरन ही मिल गई, और उन्होंने ये भी दावा कर लिया कि क्योंकि हमने कैमरास लगाए हुए हैं तो बिल्कुल वो उन कैमरास की वजह से उनको पता चल गया। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, इसलिए कि इस वक्त तो अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनका मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ ना कुछ कर लेंगे। खान साहब वैसे तो सभी को टोपियां पहना रहे हैं, लेकिन इनको भी कोई टोपी पहना देंगे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि अभी हम ये सोच रहे हैं कि इंडिया हमसे नाराज है, चाइना हमसे नाराज है, अफगानिस्तान हमसे नाराज है, अमेरिका हमसे नाराज है, बचा कौन? कोई बचा हो तो जरा बताइएगा ना, क्योंकि वो क्या है ना कि कुछ थोड़ा सा लोन मांगना था, वो भी पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं, आपको पता है ना हमारे पास कोई कानून का खजाना तो है नहीं कि खर्चते जाए तो कोई खत्म ही ना हो। वैसे तो कहते हैं कि कानून का खजाना भी खत्म हो जाता है, लेकिन खैर कोई हो माइंड में, कोई कंट्री माइंड में अगर आए आपके तो बताइएगा। वैसे तो हमारे इमरान खान साहब कहते हैं कि हम तो कुछ दिनों में और लोगों को भी, दूसरी कंट्रीज को भी लोन देने वाले हैं, लेकिन पता नहीं वो खान साहब ने मेरे ख्याल से शाम के 7 बजे के बाद ये स्टेटमेंट दिया होगा, सुबह के 7 बजे उनकी स्टेटमेंट कुछ और होती है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं हमारे पॉलिटिशियन जो है जी वो कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं। अब जैसे कि इनको देख लीजिए, ये हैं जी शिबली फराज साहब, इमरान खान साहब की जो कैबिनेट है उसके अंदर हैं, ये मिनिस्टर हैं, और वैसे हम इनको शुगली फराज कहते हैं। इनका कहना है के अल्लाह ने यानी ऊपर वाले ने जो है इमरान खान साहब की शक्ल में पाकिस्तान को मूसा भेजा है, पाकिस्तान में मूसा, हजरत मूसा की बात कर रहे हैं कि वो हजरत मूसा बन के इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान में आए हैं। मतलब ये लोग सोचते नहीं, क्या कह रहे हैं, फेंकते, मतलब फेंके, हम भी फेंकते हैं यार, हमारा भी यही काम है, लेकिन सोच के फेंके, इतनी लंबी फेंक रहे हैं यार आप लोग के, मतलब कमाल ही हो गया, मतलब ये तो चमत्कार ही हो गया कि आपने हद कर दी आपने फेंकने की। लेकिन खैर
हम आगे बढ़ते हैं इस तरह के मिनिस्टर्स, तो आपको आप पता ही, हम आपको बताते ही रहते हैं। एक थी जी हमारी फिरदौस आशिक कवान, उनको भी आप जानते होंगे, वो जो कहती थी कि जी ईद पे जो है वो जपियां पपियां ना करें, अब वही वाली वही वाली वही वाली। तो उनका सुना जा रहा है कि वो सोच रही है कि वो रिजाइन कर दें। मतलब वैसे पहले वो, आपको पता है, वो भी कई पार्टीज बदलते बदलते पीटीआई तक आई थी, फिर एक दफा पहले उनको फिर निकाल दिया गया था, फिर दोबारा खान साहब ने उनको जो है वो रख लिया अपनी कैबिनेट में, और अब फिर वो सोच रही है कि वो जिन्होंने थप्पड़ से पड़ नहीं चलाए थे टॉक शो के अंदर, याद ही होगा आप लोग, वैसे इस तरह की बातें तो आप लोग भूलते नहीं है, बड़े अच्छे से याद रखते हैं। तो बिल्कुल वो उनका सुनने में आ रहा है कि वो, उन्होंने कहा है कि जी मैं जो है ना वो छोड़ने का सोच रही हूँ, रिजाइन करने के बारे में वो गौर कर रही हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और क्या करती हैं वो। साथ ही हम लेकिन मेरे ख्याल है हम आपको उनकी वीडियो भी दिखा दें, ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो फिर जरा इंतजार कीजिए, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। होंगे ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जप्पियां और पपियां होंगी। जी, तो आई होप कि आपको याद आ गई होंगी हमारी जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, हर गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट रहती हैं, कोई ना कोई मिनिस्ट्री इनको रहती है, कुछ भी स्टेटमेंट देती हैं, ये समझें कि ये फीमेल वर्जन है शेख रशीद साहब का। और इनके बारे में सुनने में आया है कि ये फिर सोच रही हैं कि रिजाइन कर दें, कुछ नाराज हैं शायद गवर्नमेंट से या किस बात से पता नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सोच रही है कि रिजाइन कर दें तो ही बेहतर है। तो जी हम दोबारा चलते हैं अपने, जो हम आपसे पहले बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनकी बेटी का जिस तरीके से कहा गया कि जी किडनैप हुआ, फिर वो वापस मिली, और इसी तरह से कई जो कैमरास थे उसमें शेख रशीद साहब ने कहा कि जी उससे हमने बड़ा पताल चलाया, बड़ा हमने उससे बड़ा सबक लिया है, और उसी से हम पहुंचे और उनको बचा पाए, और जिसके बारे में आप सब पढ़ ही चुके हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन साथ ही जैसे मैं पहले कह रही थी कि हमारे जितने जर्नलिस्ट और जितने लोग जो हैं उनको जिस वक्त इस तरह के टॉर्चर किए जाते हैं, उठा के ले जाया जाता है, उस वक्त ये सारे के सारे कैमरास कहाँ चले गए होते हैं। साथ ही हमारी, जैसे आप चाह रहे हैं देख ही रहे हैं, जैसे आप सब जानते ही हैं कि चारों तरफ हर कंट्री के साथ जो है ना वो हमारे आजकल 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो अब देखते ही हैं कि ये 36 का आंकड़ा जो है ये हम ठीक कर पाते हैं या फिर हमारी ही वाट लगने वाली है। उसे देखते देख के तो यही लग रहा है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब चीजें हैंडल कर रहे हैं तो वाट ही लग जाएगी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जी लास्ट 74 ईयर्स से जो है इन लोगों ने, यानी हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे स्टैब्लिशमेंट ने जो है लोगों को लगा रखा है जी के मिल्ली नगमे गाने के ऊपर, कौमी तराने गाने के ऊपर, और खुद कौमी खजाने के ऊपर जो है अपना हाथ साफ कर रहे हैं। जो आता है वो बस जी जितना जितनी करप्शन हो पाती है वो करके निकल जाता है। बहुत सारे केसेस इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में उनके मिनिस्टर्स के ऊपर भी हैं, और कहने में यही आ रहा है कि वो भी उनको किसी तरीके से सजा नहीं होने दे रहे, चाहे वो जुल्फी बुखारी हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, या कोई भी हो, वो सब निकल जाते हैं और बड़ी सफाई से निकल जाते हैं। अब एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये देखिए आप इस बच्चे की पिक्चर, इस बच्चे ने जो है वो पहन रखा है जी पीपल्स पार्टी का फ्लैग, यानी के जो हमारे यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनकी पार्टी का फ्लैग इस बच्चे ने पहना हुआ है, और उनका जो नारा है पीपल्स पार्टी का वो है जी रोटी कपड़ा और मकान। ये बड़ा पुराना, भुट्टो साहब के जमाने से ये कहते चले आ रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जी हम तो जो है वो बिल्कुल रोटी कपड़ा और मकान अपने लोगों को देंगे। तो मेरा ख्याल है उसमें से कपड़ा उन्होंने दे दिया है इस बच्चे को, और रोटी और मकान जो है वो रह गया है। एक साथ एक चीज मैं और आपको बताती चलूं कि जो आम पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन का सोचते हैं। वो सोचते हैं जी ठीक है हमने ये इलेक्शन जीत लिया, अब हमें नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयारी करनी है, फिर से लोगों को उल्लू बनाना है, फिर से लोगों से वोट लेने हैं, या जो भी तरीका है वो सोचते हैं। उसके बाद जी आ जाते हैं लीडर, लीडर सोचते हैं कि जी
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बारे में लीडर सोचते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए कुछ अच्छा करके जाएं, उसके लिए कुछ यादगार करके जाएं या कोई ना कोई काम करके जाएं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ऐसा सोचते हैं लीडर्स जो आम पॉलिटिशियन से ऊपर होते हैं। फिर जी आ जाते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बैठ के ये सोचते हैं कि मैंने ये चीज महंगी कर दी है मार्केट में, अब मैं दूसरी कौन सी चीज ऐसी है जो मैं महंगी कर दूं ताकि वो भी लोगों की पहुंच से दूर हो जाए, कोई खाने को रोटी ना मिले, किसी को चावल ना मिले, किसी को चीनी ना मिले, या पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देता हूं, या कोई और बैठ के वो बड़े इस तरह के प्लान्स जो है वो सोचा करते हैं। साथ के साथ हम ये भी देखते हैं, इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट उर्दू में लिखा हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल देखते हैं और उनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, उनके लिए मैं बता दूं कि उन्होंने ये लिखा है कि जो पाकिस्तान बनने जा रहा है, हम गरीब मुल्कों को इमदाद दिया करेंगे, यानी कि डोनेशन दिया करेंगे, मदद किया करेंगे गरीब मुल्कों की। उनका ख्याल है कि हमारे से भी गरीब मुल्क मौजूद है और जो कि वाकई में मौजूद है, लेकिन हमें हमारे पास इतना कुछ आ जाएगा, इमरान खान साहब का ख्याल है, कि जिससे हम उन दूसरी कंट्रीज को भी दे पाएंगे। लेकिन क्या कहें जी, खान साहब का जैसे मैंने कहा है ना कि स्टेटमेंट का कुछ पता नहीं, कुछ भी कहते हैं। चलिए खैर, हम आपको इसी बात पर एक मौलाना की वीडियो दिखा देते हैं। बहुत दिनों से हमें कहा जा रहा है जी मौलाना की वीडियो नहीं आ रही, तो जी कोई मौलाना की वीडियो मिलेगी तो जरूर दिखाएंगे। आजकल कुछ मिल नहीं रही है, मौलाना ने पता नहीं अपनी वीडियो बनानी बंद कर दी है, ये क्या हुआ है। लेकिन खैर, एक वीडियो और है, आप देखिए। जलालुद्दीन रूमी 7-8 साल की उम्र है, घर से निकले, बाहर ग्राउंड था, बच्चे जंप लगा रहे थे, तो मुकाबला हो रहा था भाई, ज्यादा ऊंचा जंप कौन लगाता है। रूमी ने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा, जंप लिया, इतने बुलंद हुए कि आंखों से ओझल हो गए, बच्चे डर के भाग गए घर की तरफ, मां दौड़ती हुई आई, ग्राउंड में देखा तो रूमी वहां बैठे दुरूद पढ़ रहे थे। मां ने पूछा, मेरे बेटा किधर गए थे? कहा, अम्मा ग्राउंड में आया था, बच्चे जंप लगा रहे थे। मैंने कहा, हुजूर के गुलाम हो, जरा ठीक करके लगा, पहले आसमान तक तो जाओ। तो बेटा फिर क्या हुआ? कहा, अम्मा इन्होंने कहा हमसे नहीं लगते, तू लगा। मां ने कहा, बेटा फिर? कहा, अम्मा फिर मैंने जंप लिया। तो बेटा फिर क्या हुआ? कहा, मां तेरे पिलाए हुए मुकद्दस दूध की कसम है, जब मैंने जंप लिया पहला आसमान पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया। जी तो आपने देखा कि ये मौलाना साहब क्या कह रहे थे। खैर, ये कुछ भी कह रहे थे, इस तरह की बातें तो ये करते ही रहते हैं। आप जानते ही हैं कि हम इसके ऊपर कितनी वीडियोस बना चुके हैं, ऑलमोस्ट 19 जो वीडियोस हैं वो मैंने बनाई मौलाना के ऊपर, मौलाना और साइंस करके, लेकिन ये लोग आज तक नहीं सुधरे और इनकी कुछ ना कुछ इसी तरह की वीडियोज आती ही रहती हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि जी इंडिया में, यानी कि भारत में, हर साल 34 मिलियन लोगों को डायलिसिस सर्विस फ्री दी जाती है। और यहाँ रियासत मदीना जो बनाने के लिए जा रहे हैं इमरान खान साहब, और यहाँ पर अभी तक उनके 3 साल की गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब की रही है, उसमें जो मेडिसिन की प्राइस है वो 526% इंक्रीज कर दी गई है। यानी कि कोई बीमार अगर हो तो उसको इतनी महंगी मेडिसिन्स मिलेंगी, जबकि दूसरी तरफ भारत जो है वो क्या, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हर साल 34 मिलियन लोगों का डायलिसिस जो है, सर्विस जो है वो फ्री दी जा रही है। और हमारे यहाँ तो खैर, हम सर्विसेज फ्री देना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। मेडिसिन्स तक जो है वो 526% हमने उसकी प्राइस जो है इमरान खान साहब ने ऑलरेडी इंक्रीज कर दी है, और उनके मिनिस्टर दबा के पैसे खा रहे हैं। लेकिन जी, शर्म वरम तो हमको आती नहीं है। हमने जैसे आपको पहले ही कहा था कि सारे जो कौम है, सारी जो नेशन है, उसको इन्होंने लगा दिया है कि जी आप जो है बस वो गाने गाइए, मुल्क की तराने गाइए, और खुद जो है ये मुल्क की खजाने के पीछे पड़े हैं। रिंग रोड प्रोजेक्ट बंद, इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट वो भी बंद हो गया है, सी पैक वो भी बंद हो गया है, दासू डैम प्रोजेक्ट वो भी बंद हो गया है। लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, और बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। खैर, ये मैंने वैसे ही बोला था, मुझे आज मैंने आज कोई आई थिंक 200 टाइम्स हो गए मुझे कि मैं जो है ना वो शोले देख देख के, पहले मैंने 100 टाइम्स शोले देखी, और उसके बाद
फिर दोबारा देखनी शुरू की, और जब टीवी पर आती है मैं शोले फिल्म देखती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है गब्बर सिंह वाली, और स्पेशली जब धर्म जी कहते हैं ना बसंती कुत्तों के सामने नहीं नाचना, तो वो बड़ा मजा आता है देखे। और उससे देखें आज पूरे 200 times मैंने कंप्लीट कर लिए पिक्चर, और धर्म जी याद आए और उससे सनी जी याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल सनी जी वो हैंडपम्प याद है ना आपको, तो मैं तो आखिरी सांस तक बात करती रहूंगी, वीडियो बनाऊंगी, जब भी मैं हैंडपंप जरूर मांगूंगी, कोई शर्म होनी चाहिए जी। हमने तो ऐसा नहीं समझा था आपको, हमें तो आप बड़े पसंद है, हमने तो आपकी हर पिक्चर देखी है, लेकिन ये क्या बात हुई कि हैंडपंप ले गए और वापस भी नहीं करे। ऊपर से आपके कुछ लोग लिख रहे हैं वहाँ यूट्यूब पे जाके कि वो हैंडपंप तो वहीं फेंके चले गए थे, कोई भी वहीं फेंके नहीं चले गए थे जी, आप दोबारा से पिक्चर देखिए, आप लोग वो हैंडपंप साथ में ही ले गए थे वो सनी देओल जी, वहाँ कोई भी नहीं पड़ा हुआ, हमने जाके चेक भी कराया, हमने लोग भेजे थे वहां पर, उनका कुछ भी ऐसा नहीं। पिक्चर भी मैंने 3 बार पिक्चर देखी दोबारा, आपको पता है वो जिसमें वो हैंडपंप निकाल के ले गए थे वो गदर, हाँ गदर नाम था उसका, 3 बार मैंने वो फिल्म देखी और एक बार भी कहीं भी ऐसा नहीं था कि वो हैंडपंप को उन्होंने जो है ना वो खड़ने के बाद ना वहां कहीं फेंक गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तो आप लोग पता नहीं मुझे किन बातों में लगा लेते हैं, इतना अच्छा हमारा पॉलिटिकल शो चल रहा होता, बीच में आप लोगों को ना फिल्में याद आ जाती है। खैर मैं ये बता रही थी आपको लास्ट में कि वो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी मैं पूरी जो मुस्लिम उम्मा हूँ ना उसका लीडर हूँ, लेकिन पता नहीं पाकिस्तानियों को क्या हो गया, थोड़ा सा पेट्रोल प्राइस क्या बढ़ा दिए ना, तो उल्टा पुल्टा बोलना शुरू हो गया, हमको ना अजीब बैंड डाला हुआ है, रोते रहते हैं सारे वक्त, हमारे तो लोगों को समझ नहीं आती। वैसे एक चीज और है, मेरा ख्याल है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनको फिजिक्स के लिए जो है ना वो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, और कम से कम नॉमिनेट तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टाइम मशीन निकाली है जिसमें जो है उन्होंने जो लोग हैं मतलब 22 साल उन्होंने, वो बोलते हैं जी मैंने 22 साल बड़ी मेहनत की है, मैंने 22 साल बड़ी जद्दोजहद की है, और बड़ी स्ट्रगल करने के बाद जो है वो इस वो यहाँ तक पहुँचे हैं, इस यानी जिसे कहना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुँचे हैं, लेकिन इस टाइम मशीन के जरिए उन्होंने 22 करोड़ के जो अवाम है, जो 22 करोड़ पब्लिक है, उसको उन्होंने 22 साल पीछे पहुंचा दिया है, लोगों की वो हालत की है कि जिसे कहते हैं ना लेने के देने पड़ गए हैं। खैर हम आपको उनकी एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं खान साहब की, और फिर उसके बाद एक क्लिप हम आपको और दिखाएंगे, और वो साहब जो है वो खान साहब की ही पढ़ी हुई जो स्पीच है उसको दोबारा से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका अपना स्टाइल है वो देखिएगा, लेकिन पहले सुने कि खान साहब ने क्या कहा है। फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट माय ग्रेट रीजन फॉर कमिंग हियर वाज एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय ट्रिप टू बुखारा एंड समरकंद। As I said, I'm a I'm a student of history, so I know probably more history of Uzbekistan than most people in Uzbekistan, and therefore I'm really looking forward to my trip tomorrow to Samarkand and Bukhara. Thank you very much. जी तो आपने देखा कि कितने बड़े बड़े दावे किए हैं खान साहब ने, तो उनकी इसी स्पीच को एक साहब ने लेकर दोबारा से पढ़ा है, और उनका अपना स्टाइल है, लेकिन वो भी हम आपको दिखाते हैं, वैसे तो हो सकता है कि आप लोग देख चुके हों ट्विटर पे, लेकिन फिर भी हम आपको वो क्लिप भी दिखाते हैं। फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट माय ग्रेट रीजन फॉर कमिंग हियर वाज and I'm looking forward to my trip to Bukhara and Samarkand. As I said, I'm a I'm a student of history, so I know probably more history of Uzbekistan than most people in Uzbekistan. जी देखा आपने, और बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिक्र ना कीजिए, अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए,
खाते पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, स्पेशली अपने पेरेंट्स का। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।